शक्ति कपूर। सुनील सिकंदर लाल कपूर उर्फ शक्ति कपूर एक भारतीय अभिनेता है। वह हिंदी सिनेमा में अपनी खलनायकी और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। शक्ति कपूर का जन्म एक बेहद निर्माण मध्यवर्गीय पंजाबी परिवार में 3 सितंबर 1958 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दर्जी की दुकान चलाते थे। उनके नाम बदलने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल जब सुनील दत्त साहब ने संजय दत्त स्टार फिल्म रॉकी में विलन का रोल ऑफर किया तो उन्होंने अपना नाम सुनील कपूर विलन की तरह नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर शक्ति कपूर रख लिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही समाप्त की है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ों मौलों कॉलेज से ग्रेजुएट है। शक्ति कपूर की शादी शिवानी कपूर से हुई है। उनकी दो बच्चे हैं, एक बेटा सिद्धार्थ कपूर जो कि एक सहायक निर्देशक है और डीजे उनकी बेटी श्रद्धा कपूर है जो कि हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री है। शक्ति कपूर अब फिल्म इंडस्ट्री में आज जिस मुकाम पर है वह उन्होंने पहुंचने के लिए इस इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत की है। साल 1980 के दौर में शक्ति कपूर को बतौर अभिनेता पहचाना जाने लगा। उस साल उनकी दो फिल्में कुर्बानी और रॉकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में साबित हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका अदा की थी। साल 1983 में शक्ति जितेंद्र और श्रीदेवी स्टार फिल्म हिम्मतवाला और सुभाष गाई निर्देशित फिल्म हीरो में खलनायक के किरदार में नजर आए। अपनी चार फिल्मों खलनायकी का बेहतरीन अभिनय करने के बाद शक्ति कपूर बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों की श्रेणी में आ गए थे। 80 और 90 के दशक में खलनायकी के किरदार के निर्देशक और निर्माताओं की पहली पसंद अमरीश पुरी या फिर शक्ति कपूर ही होते थे। 90 के दशक में कपूर ने खलनायकी को थोड़ा दरकिनार करते हुए कॉमिक रोल करने शुरू आकार दिए। जिस तरह वो पूरे एक्शन के साथ खलनायकी की भूमिका निभाते हैं उसी तरह उन्होंने कॉमिक रोल निभाए। उन्हें उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए फिल्म राजा बाबू के नद्दू की भूमिका अदा करने के लिए उन्हें फिल्म फेयर के कॉमिक रोल के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कॉमिक फिल्में इंसाफ, बाप नबरी बेटा, 10 नंबरी, अंदाज, अपना अपना, तोहफा, राजा बाबू, हम साथ साथ हैं, चालबाज, बोल राजा बोल। वह सिर्फ एक अच्छे खलनायक ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे मिमिक आर्टिस्ट भी है। हिंदी सिनेमा में आज भी उनके प्रसिद्ध डायलॉग दर्शकों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, जिनमें राजा बाबू का नंदू सबका बंधु समझता नहीं है यार फिल्म, चालबाज का मैं नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ। वह कलर्स टीवी के प्रसिद्ध रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतिभागी नजर आ चुके हैं। वह म्यूजिकल कॉमेडी शो आसमान से गिरे खजूर पर अटके में भी नजर आ चुके हैं।